गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? लास्ट जो हमने चैप्टर किया दैट इज मनी मार्केट, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप कहाँ पे रेज करते हैं? मनी मार्केट में। सेम लाइन्स पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप आते हैं कैपिटल मार्केट में। इसका मतलब कि कैपिटल मार्केट वो मैकेनिज्म है, वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहाँ पे आप अपनी लॉन्ग टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट डील करती है लॉन्ग टर्म फंड्स में, बोथ डेब्ट एंड इक्विटी में। कैपिटल मार्केट वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहाँ पे आप लेंडिंग एंड बोरोइंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड्स की। कैपिटल मार्केट में आप डील करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। कैपिटल मार्केट को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक है न्यू इशू मार्केट, जिसे हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। न्यू इशू मार्केट में जो कंपनी है, जो सबसे फर्स्ट टाइम अगर वो कोई भी सिक्योरिटी को इशू कर रही है, चाहे वो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, तो वो न्यू इशू मार्केट में करेगी। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को आप बाय एंड सेल करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कब बनती हैं? जब वो एक बार ऑलरेडी न्यू इशू मार्केट में इशू हो चुकी हैं, तो उसके बाद वो क्या हो गई? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हो गई। तो सेकेंडरी मार्केट में जो आपकी ओल्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं, आप उनको बाय और सेल करते हो। देन कुछ डेफिनेशंस हैं कैपिटल मार्केट की। अकॉर्डिंग टू फ्रेंसिस चारुनीलम, द टर्म कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मनी मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड। तो टर्म कैपिटल मार्केट का मतलब है वो मार्केट जो डील करती है लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स में, जबकि मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म फंड्स में। तो जो कैपिटल मार्केट है एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है जहाँ पे आप इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिविजुअल और जो आपके हाउस होल्ड या इंस्टीट्यूशनल सेवर्स हैं वहाँ से जो दूसरे इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडस्ट्री और कॉमर्स में हैं उन तक। देन नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट को अगर हम इंडिया में देखें तो उसकी क्या हिस्ट्री रही है, वही आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्ली 19th सेंचुरी में अगर हम कैपिटल मार्केट इंडिया में देखें तो वो अनऑर्गेनाइज थी। कैपिटल मार्केट अगर हम दो फेसेस में इसको डिवाइड करते हैं, एक इंडिपेंडेंस से पहले का और एक इंडिपेंडेंस से बाद का, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो कैपिटल मार्केट थी इंडिया में वो अनऑर्गेनाइज थी 19th सेंचुरी में। सिक्योरिटीज जो थी, जो ट्रेड होती थी, मेनली बॉम्बे जो अब मुंबई है और कलकत्ता में ही ट्रेड होती थी। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज था वो सेटअप हुआ था 1875 में बॉम्बे में, जिसका नाम उस टाइम पे था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, और इसे आज आप जिस नाम से जानते हो दैट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेटर 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बना, देन 1908 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया गया। 1925 में बॉम्बे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट को इनैक्ट किया गया और फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन दी गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जिसने डिफाइन किए आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग कि स्टॉक एक्सचेंज में वर्किंग कैसे होती है। इंडियन कैपिटल मार्केट अगर हम ऑर्गेनाइज्ड कहें या फिर हम इफेक्टिव तरीके से उसे कहें कि रियलिटी बनी, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडियन कैपिटल मार्केट की थी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं थी। उसके रीजंस क्या थे, वो अंडर डेवलप क्यों थे, उसके रीजंस क्या थे कि जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो एंटरप्रेन्योर इंडिया में आते थे वो किसकी रिक्वायरमेंट देखते थे? वो देखते थे अपनी कंट्री, मतलब लंदन कैपिटल मार्केट के रिक्वायरमेंट को देखते थे रादर देन इंडियन कैपिटल मार्केट। देन नंबर ऑफ कंपनीज बहुत थोड़ी थी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी बहुत थोड़ी थी जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स भी बहुत कम थे,
और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस कैपिटल मार्केट की हेल्दी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 इनैक्ट किया, देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956 बनाया, 1955 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम ICICI कहते हैं को एस्टैब्लिश किया गया 1955 में, 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया और इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। 1969 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया 14 मेजर बैंक्स को इंडिया में, देन 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया एस्टैब्लिशमेंट रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का ताकि जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट सेक्टर की वो हो सके और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप हो सके कंट्री में। 1980 में 9 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज थे इंडिया में। जो रियल ग्रोथ हुई इंडियन कैपिटल मार्केट की वो 1991 के जो LPG के रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे, उनके बाद हुई। 1992 में कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को ख़त्म करके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 को इनैक्ट किया गया। इस एक्ट के अंडर जो सेबी था उसे फुल फ्लेज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर बनाया गया इंडिया में, और जो सेबी था उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था ऑर्डरली डेवलपमेंट करना सिक्योरिटीज मार्केट की, प्रिवेंट करना करप्ट और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को जो कैपिटल मार्केट में हो रही हैं, और इन्हांस करना वर्किंग कॉर्पोरेट सेक्टर की, प्रमोट करना एफिशिएंसी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरीज के थ्रू, चाहे वो ब्रोकर्स हो, अंडरराइटर्स हो, मर्चेंट बैंकर्स हो। 1993 में इंडियन कैपिटल मार्केट को ओपन कर दिया गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और इंडियन कंपनीज को भी अलाउ किया गया कि वो ओवरसीज से फॉरेन कैपिटल मार्केट से जो कैपिटल है वो रेज कर सकती हैं। 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट को पास किया गया और जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज थी उनके डीमेटेरियलाइजेशन को अलाउ किया गया। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है कि अब आपको सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको वही सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती हैं। तो जैसे आपका एक अकाउंट खुल जाता है और उसमें आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो डेबिट और क्रेडिट होती है। 2000 ईयर में जो इंटरनेट ट्रेडिंग है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग है इनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कैपिटल मार्केट्स में। 2003 में T+2 रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये T+2 रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है ये आप आगे जो चैप्टर्स आपके आएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर डील करते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी ट्रांजेक्शन जो है बाय एंड सेल की वो कम्प्लीट करनी पड़ती है, उसी को हम रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है, मतलब वही कि जो आपकी ट्रेडिंग हुई है, जब आपका बायर और सेलर मिल गए, आपस में मैच कर गया उनका जो भी रिक्वायरमेंट था, तो ट्रेड हम कहते हैं हो गया। और टी का मतलब ट्रेड है, प्लस टू मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ है उसके बाद 2 दिन आपको और दिए जाते हैं जिसके अंडर जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको आपको कम्प्लीट करना पड़ता है। इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया गया 1993 में, इसे परमिशन दी गई कि नेशन वाइड टर्मिनल्स ही अपने सेटअप कर सकता है। उसके बाद सेबी ने अलाउ किया सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को कि वो सेटअप कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स अक्रॉस द नेशन। जो सेबी था उसने एग्जम्प्ट किया इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को कंपल्सरी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज से रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और इस एग्जम्प्शन के साथ जो सेटिंग अप ऑफ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे कंक्लूड हुआ। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस बन गए इंडिया के, और 99% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सिक्योरिटीज का वो ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस के पास है। एट प्रेजेंट 10 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, इनमें से 3 डील करते हैं कॉमोडिटीज में और 7 डील करते हैं सिक्योरिटीज में। सिंस
ईयर 2010 मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग को परमिट किया गया, ईयर 2014 में सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया ताकि जो कैपिटल मार्केट है उसे फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इन सब स्टेप से आपको नजर आता है कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वो डेवलप कर रही है, जो ग्रोथ है जॉइंट सेक्टर कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज की वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से हो रही है। स्पेशल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया, वेरियस कंसेशंस उन्हें दिए गए, टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि जो सेविंग्स है उन्हें प्रमोट किया जा सके। रिसेंट ईयर्स में इंडियन कैपिटल मार्केट ने ह्यूज ग्रोथ विटनेस किया है और इंट्रोडक्शन हुआ है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का, जिसने बूस्ट किया है प्राइमरी कैपिटल मार्केट को। ये ASBA क्या होता है डिटेल में हम जब हमारा चैप्टर करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनेट ट्रेडिंग, मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग, T+2 रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम, ई बैंकिंग एक्सेट्रा कुछ ऐसे स्टेप है जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट को एट पार लाने के लिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रुप्स इन्वॉल्व एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन कैपिटल मार्केट। थ्री इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिन्हें हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, वो हैं सप्लायर्स ऑफ लोनेबल फंड्स, बोरोअर्स और इंटरमीडियरीज जो डील करते हैं लेंडर्स के साथ और बोरोअर्स के साथ। तो ये जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं कैपिटल मार्केट में थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक जो सप्लाई करवाते हैं फंड्स, दूसरा जो बोरो करते हैं फंड्स, तीसरा इंटरमीडियरीज जो इन सप्लायर्स और बोरोअर्स को मिलवाते हैं। तो पहला है हमारा लेंडर सेक्टर। लेंडर सेक्टर मतलब जो सप्लाई कर रहा है फंड। तो सप्लाई ऑफ फंड्स कहाँ से होती है, इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स। मेनली इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आते हैं दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SIDBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SIDCs यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, GIC म्यूचुअल फंड्स, लीज कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज। ये था लेंडर सेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है बोरोअर सेक्टर, जो डिमांड करता है फंड्स की मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। वो कौन कौन होता है, पहला है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूड होते हैं और इन्हें पैसा क्यों चाहिए होता है, एक्सपेंडिचर करने के लिए, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो गवर्नमेंट है उसको पैसा चाहिए होता है, उसके लिए वो कैपिटल फंड्स डिमांड करती है। तो जैसे रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो हैं गवर्नमेंट के, वो बोरो करते हैं कैपिटल मार्केट से फंड्स को। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं। वो गिल्ट जो ये डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेफ होती हैं, इसीलिए इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है वो डिमांड करता है लॉन्ग टर्म फंड्स वेरियस रीजंस के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए हो सकता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो सकता है। ये फंड्स को मोबिलाइज कैसे करते हैं, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बोरो करके, डेवलपमेंट बैंक से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से, टर्म डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करके जर्नल पब्लिक से। देन हमारे आते हैं इंटरमीडियरी सेक्टर। इसमें हमारा आ जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, जॉबर्स एसेट्रा, जो फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स का लेंडर से बोरोअर्स में। इसमें मेनली जो इंक्लूड होते हैं दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, इम्पॉर्टेंट इंटरमीडियरी है बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर जो डील करता है सिक्योरिटीज मार्केट में, गवर्नमेंट और गिल्ट एज सिक्योरिटीज में। स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस जो इशू की है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, और ये गाइडलाइंस इंश्योर करती है कि एफिशिएंट रेगुलेशन हो स्टॉक मार्केट्स का और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। नेक्स्ट है स्टॉक ब्रोकर्स। वो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जो बाय करते हैं, सेल करते हैं, डील करते हैं सिक्योरिटीज में ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। वो हेल्प करते हैं, सब ब्रोकर्स की हेल्प से काम करते हैं, कमीशन ब्रोकरेज चार्ज करते हैं बायर और सेलर से सिक्योरिटीज के लिए, और रजिस्टर्ड होते हैं ये सभी से और उनके रूल्स रेगुलेशन इन्हें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।